ये वो भूत और स्व, उसमें आपने तीनों में समझाया बॉडी के बारे में और हमारे सोचने का तरीके के बारे में। मतलब वो में बताया कि हम मगज से सोचते हैं और दिमाग से, बरोबर है। फिर भूवा में मनस है और स्व में प्रज्ञा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम भू में है तो क्या हम तो उस स्टेज से नीचे आए हैं ना, तो हमें इस स्टेज पे मतलब मगज हमारे जो ब्रेन है दिमाग है, दिमाग से हमको मनस और प्रज्ञा का अनुभूति हो सकती है? मनस तो हम यूज करते हैं, इनकमिंग इंपल्स आता है तो मनस द्वारा ही आता है। फिजिकल एस्ट्रल तो दोनों काम कर रहे हैं, मेंटल काम नहीं कर रहा है हमारे अंदर, अभी मेंटल का डेवलपमेंट नहीं है। एस्ट्रल तो हमारा प्राइमरी बॉडी है, तो प्राइमरी बॉडी काम नहीं करेगा, मनस काम नहीं करेगा तो जिएंगे कैसे, सोचेंगे कैसे? जो हमारी सोच है उसके अंदर सबसे प्रमुख जो है वो मनस है। वो मनस जो एक प्रकार मन का ही शब्द है, मन शब्द आया मनस से आया है। मन या मनस मतलब सोचने की जो प्रक्रिया का सबसे बड़ा अंग है वो है मनस। मनस क्या करता है, कोई चीज हम तो हमें देखना है या सुनना है, जैसे कि मुझे ये पेड़ को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देखूंगा किस तरह, क्या करना पड़ेगा, अटेंशन। अटेंशन फेंकूंगा तो अटेंशन के साथ में कौन जाता है तो फिर कौन अंदर आता है, उसको मनस कहते हैं, ठीक है। तो वही मनस जो है वो इंपल्स को ब्रेन तक ले जाता है, नाड़ी द्वारा, इड़ा के मिला द्वारा। तो मनस तो हम काम में यूज कर ही रहे हैं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं। रह गया सवाल बुद्धि या प्रज्ञा का, वो भी डेवलप नहीं हुई, इसलिए तो हम गायत्री करना चाहते हैं कि गायत्री द्वारा हमारे सामान्य बुद्धि या प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाए, तो गायत्री की कृपा हो गई। वो तीसरा बाकी है, दोनों का काम चल रहा है पर तो दोनों इतने परफेक्ट नहीं है या मैच्योर नहीं है। एस्ट्रल के अंदर भी गड़बड़ी है, फिजिकल के अंदर भी गड़बड़ी है, तो योग करके हमें फिजिकल और एस्ट्रल को दोनों को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके फिर मेंटल की हम बात करते हैं। तब उसकी अनुभूति हो सकती है, हाँ तब अनुभूति हो सकती है प्रज्ञा की, इसकी अनुभूति मेंटल की। हाँ मेंटल की अनुभूति आपको थ्री बी के स्टेज में मिलेगी। अभी कहाँ से मिलेगी, उठना और माइक में उठना, यहाँ तक आवाज नहीं आती। दूसरा सर ये समझना है, भूआ और स्वा उसके ऊपर आपने हमें हम समझे कि रिंग पास नोट है, और उसके अलावा फिर आपने ये भी समझाया हमें कि भू और भूआ के बीच में भी एक मिनी रिंग पास नोट है, और भूआ और स्वा के बीच में भी एक रिंग पास नोट छोटी सी, तो वो कैसे समझ सकते हैं, वो कैसे समझाया जाएगा? रिंग पास नोट का मतलब क्या, हमने देखा किस एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते, एक प्रकार की जेल है, जेल की बड़ी बड़ी दीवार होती है ना, तो ये जो है रिंग पास नोट जेल की दीवार है, ये आत्मा भाग नहीं जाए, छपक नहीं जाए, इसलिए ये दीवार बनाई है नेचर में। इसी तरह ये जो है भू और भू के बीच में है वो माइनर रिंग पास नोट, पर भू और स्व के बीच में भी नहीं है। तो आप जब तक भू के जीव है तब तक आपको भू में ऐसे जाने की एंट्री नहीं है, पर उसके कुछ लॉस है या उसके जो जिस तरह की प्रोसेस है उसमें जा सकते, जैसे कि हम मर जाते हैं तो फिजिकल बॉडी यहाँ रह गए, अब हमें एस्ट्रल ही है हमारे पास, तो एस्ट्रल से हम कहाँ जाएंगे, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे, तो वहाँ वो रिंग पास नोट को क्रॉस करके जा सकते हैं। और बॉडी के लेवल पर समझे तो जैसे कि हम कहते हैं कि ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये दो लोक है, भूलोक भूलोक, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, दोनों के बीच में रिंग पास नोट है, तो दोनों बॉडी के बीच में क्या है, फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी,
दो लोग के बीच में कुछ है तो दो बॉडी के बीच में भी कुछ होना चाहिए ना। श्वास और प्राण, प्राण और श्वास कुछ प्राण क्या देखो हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो कोई बॉडी होगा तो कौन सा बॉडी है। चलो इतना तो मैं साइन दे देता हूँ आपको कि फिजिकल बॉडी और एथलेट की बॉडी के बीच में भी कोई बॉडी है। कौन कोई बोलिए, किसी ने इधर की बॉडी बोला, इधर की बॉडी, एथरिक बॉडी फिजिकल बॉडी और एथरल बॉडी के बीच में था। सीधा हम एथरल बॉडी का अनुभव नहीं ले सकते, साधना में जब हम ट्रांस में जाते हैं साधना में बीच में तो सीधा एथरल पर नहीं जा सकते, पहले एथरिक बॉडी का अनुभव लेना पड़ता है फिर एथरल बॉडी का अनुभव। तो लोक में भी यही है, फिजिकल लोक बीच में रिंग पास लोक फिर एथरल लोक। पहली बात ये समझ लेनी है कि पेरिनियम जो है वो असली चीज नहीं है, एक चीज है फिजिकल एक है एथरल। पेरिनियम जो है वो फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है जिसको सीधे सीधा प्राण का लेने देने से कोई कनेक्शन नहीं है। जो प्राण का आवन जान है उसके लिए जो जिम्मेवार है वो है मूलाधार, तो वो एथरल में है, पेरिनियम एथरल में नहीं है। पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक है। पर दोनों इंटर रिलेटेड थे इसलिए एक वीक होता है या एक सुसुप्त होता है तो दूसरा भी इतना सुसुप्त होता है या इतना एक्टिव नहीं होता। तो हम फिजिकल लेवल के ऊपर पेरिनियम के देखते हैं तो पेरिनियम अगर हमारा सुसुप्त है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मूलाधार भी इतना एक्टिव या पावरफुल नहीं है जो प्राण को एब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। तो हम जीते हैं तो एथरल से जीते हैं, तो पेरिनियम सुसुप्त है या नहीं है इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि मूलाधार तो काम कर रहा है, आज जो हम जी रहे हैं और जितना छोटा मोटा भी जो हम प्राण ले रहे हैं, जो हम अभी जिंदा है और जितनी शक्ति से जी रहे हैं, इतना मतलब ये है कि मूलाधार काम कर रहा है पर वो फुल फ्लेम में काम नहीं कर रहा है। योगी के अंदर जिस तरह काम करता है इस तरह नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे हमेशा हमें एक एनर्जी का लैकिंग रहता है। हमारे अंदर जो एनर्जी है या प्राण शक्ति है उसका जो सप्लाई जो होना चाहिए कॉन्स्टेंट और एक और ये होगा तो उसके साथ में एक अवेयरनेस होगी, तो दोनों चीज़ एक जैसी एक सिक्के के दो पहलू। आप इससे भी समझ सकोगे कि भाई मेरी अवेयरनेस कितनी है, तो ये तो हर व्यक्ति जान सकता है कि भाई मेरे आपका अगर चीत भटकता है तो समझ लेना कि हम बहुत लो अवेयरनेस से जीते हैं, ध्यान हमारा टिकता ही नहीं है, कहीं गायत्री करते तो नहीं टिकता है, किसी की बात सुनते तो नहीं टिकते हैं, विचार अंदर चालू हो जाता है, ड्रिफ्टिंग होता रहता है, ड्रीमिंग होता रहता है। मतलब हमारे अवेयरनेस की लेवल बहुत लो है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राण का इंटेक भी लो है। अब जिनका प्राण का इंटेक बढ़ेगा तो उसकी अवेयरनेस की लेवल भी बढ़ेगी,
तो हम खुद ही हमें हमारा लेवल समझ सकते कि हम कहाँ जी रहे हैं। तो जो अभी जो है वो पेरेनियम सुसुप्त है और मूलाधार जो है वो इतना इंटेक इसका जो जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जब हम बोल न के करेंगे और धीरे 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 गहराई में उठी जाएंगे, ऐसा नहीं दो चार राम कर किया और छोड़ दिया, दो पाँच मिनट किया और छोड़ दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं। वो इतना सुसुप्त हो गया कि उसको जगाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए सुबह शाम उसकी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर वो जो है वो धीरे 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 करके जागृत होगा। जैसे जैसे जागृत होगा इसका प्राण का इंटेक बढ़ता जाएगा, प्राण का इंटेक बढ़ता जाएगा, हम खुद ही महसूस कर पाएंगे हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, हमारे अंदर अटेंशन की क्वालिटी चेंज हो रही है, खुद हम जान पाएंगे कि अभी हमारे अंदर सुधार आ रहा है। ठीक है, तो गोल नकेट का रोल ये है, गोल नकेट करेंगे तो फिजिकल में डेरेनियम जो है वो एक्टिव होगा, एस्ट्रल के अंदर मूलाधार का इंटेक बढ़ेगा, इतना समझना है। सर ने कीवर्ड यूज किया कि इड़ा पीड़ा सुसुना, बोले ये करोगे तो मुझे चालू होगी, इसका मतलब मेरा पीड़ा बंद है ऐसा हो रहा है ना सर? सुसुमना बंद है, सुसुमना तो बंद है अपनी कॉमन आदमी के इड़ा पीड़ा, लेकिन साथ में जो बोला कि पहले पशुओं को चालू फंसे तो के कल्याण फंसे, पर वो सुसुमना के संदर्भ में बोला। अभी तो ईडा पिंगड़ा से ही हमारा इनकमिंग इम्पल्स रख जाता है ना, कौन सा रास्ता है? अगर वो बंद होगी तो इनकमिंग इम्पल्स ब्रेन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि तो आदमी मर जाएगा। ब्रेन में कुछ जा रहा है इनकमिंग इम्पल्स, इसका मतलब ये होती है भाई कुछ तो कोई मार्ग तो है ना उसका, तो ईडा पिंगड़ा ही मार्ग है। और वो तो वो पर्पज में क्लियर कर बताया है, डायग्राम में भी बताया है कि देखो ये अभी आज ही मैंने पढ़ा सुसुमना बंद है, पर इधर ईड़ा और पिंगला से आपका जो इनकमिंग इम्पल्स है वो ऊपर जाता है, तो ईड़ा पिंगला बंद होने का तो सवाल ही नहीं, इधर और है। मतलब जब ईड़ा चालू होती है तो पिंगला काम नहीं करती, पिंगला चालू होती है तो ईड़ा काम नहीं करती, और सुसुमना के नीचे जो बाल है वो बंद है। सुसुमना बंद नहीं है पर नीचे बाल है वो टू वे स्विच वाला है, उसका एक जो छोर है वो ब्रेन के अंदर है एक बाल, एक यहाँ है, तो वो टू वे स्विच जैसा है, एक वाल खुला रहेगा और एक बंद रहेगा। तो अभी हमारा सुसुमना के नीचे का वाल जो है वो बंद है, इसीलिए ब्रेन का वाल खुला है, तो इनकमिंग इम्पल्स ईड़ा या पिंगला से आता है वो वाल खुला है इसीलिए ब्रेन के अंदर जाता है और ईड़ा की प्रक्रिया बंद की है, इतनी सीधी सी बात है। अब क्या दिक्कत क्या है? सब ऐसा है गुजराती में तो प्राणे चालू फंसे तो कल्याण था नहीं, आप सबको सब शब्दों को मत चिपके रहो, यही चीज उन्होंने लिखी है वही तो मैं बता रहा हूँ, फिर आप क्यों सबको सब शब्दों को चिपक रहे हो? तो लिखने वाला ने गलती की होगी, लिखने वाले ने गलती की होगी, कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर कट तो बात है, मैं समझा रहा हूँ उसका साइंस की भाई इधर पिघला से ही ब्रेन में जाता है और हम जी रहे हैं। अब फिर इसके ऊपर आप प्रश्न करते हो कोई मतलब नहीं है ना, उन्होंने क्या लिखा है वो शब्दों को मत चिपको। सुसुमना के लिए ये बात सही है और सुसुमना के लिए उन्होंने कहा होगा, पर ट्रांसलेट करने वाले ने या किताब छापने वाला ने कुछ और कह दिया होगा, लिखा है कि जो ऐसा राहुल चाल तो मगज खाली थी जैसे, तो मुझे मेमोरी के सेंस में तो कहा मगज कहना क्या कि भाई साइंस साइंस सेकंड जो उससे तो मगज खाली थी जैसे सेकंड हाँ के ध्रुव से तो क्या मगज खाली थी जैसे, मतलब कि जो विचार की प्रक्रिया एकदम स्लो हो जाएगी। खाली का मतलब ये है कि जो हमारा वो दूसरा शब्द यूज करते हैं ना, ट्रैफिक ट्रैफिक शब्द यूज करते हैं, ट्रैफिक जाम, जब बहुत विचार चलते हैं तो उसको ट्रैफिक जाम कहते हैं, उससे विपरीत कि अभी ये कर रहा है तो ट्रैफिक कम हो जाएगा तो खालीपन जैसा कम हो जाएगा, विचार कम फील कर रहा है वो कहने का मतलब। वेगस भी है ना, पिंगला सूक्ष्म में और फिजिकल में स्लो शरीर में वेगस, वेगस में भी प्राण चलता, वो जो फंक्शन होता है फिजिकल एक्चुअल होता है, तो ईड़ा पिंगला में से जाता है वो, फिर उसको फिजिकल में भी आना पड़ता है क्योंकि ब्रेन एक्टिव, ब्रेन का काम लेने के लिए, तो ब्रेन का काम लेने के लिए नर्वस सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा,
तो इसलिए फिर वेगस में आता है, या फिर वो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक की बात करते हैं तो उसका उपयोग होता है, तो भी पीड़ा सिंपैथेटिक से जाती है पीड़ा, क्योंकि सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक फिर से ईडा और पिंगला से कनेक्टेड है, जो एस्ट्रल में ईडा पिंगला है वो फिजिकल में सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक है, तो उसका तो बाद में तो उपयोग आएगा ही, तब जाके कॉम्प्लिकेट विचार या प्रोसेस कम्प्लीट होती है। आगे जाकर हमको सिस्टम है उसी को एक्टिव करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसके द्वारा हम को हम तो पैरासिम्पेटेटिक को जागृत करते हैं, क्योंकि जो अतीन्द्रिय अनुभव है वो पैरासिम्पेटेटिक से हो सकते हैं, जो हम अभी जो पांच इंद्रिय से जी रहे हैं उसके अतिरिक्त जो है जो हमें नहीं दिखता है नहीं सुन सकते हैं वो चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब आपके की पैरासिम्पेटेटिक चालू हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी, इतना इसका पैरासिम्पेटेटिक का प्रभाव है।